जनता जनता को धन्यवाद, आभार, अपने सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार, अपने नेताओं के प्रति आभार। पाटलिपुत्र के वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव एक बार फिर से यानी कि दोबारा चुनाव जीत गए हैं और आइए वो क्या कह रहे हैं, अपनी जनता को सुनिए। जनता जनता को धन्यवाद, आभार, अपने सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार, अपने नेताओं के प्रति आभार। जो विश्वास जनता ने मेरे ऊपर और व्यक्त किया है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है उसके माध्यम से यहाँ के राज्य की सरकार नीतीश जी और माननीय मोदी जी के जो संयुक्त रूप से योजना है उसको जमीन तक हमने पहुँचाया है और भी जो अछूता तबका और वर्ग है उस तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, चुनौती अगर देखते हैं तो विकास के लिए क्या कुछ था? बहुत सारी विकास पानी के बुलबुले की तरह है जी, समस्या उसी तरह का है, एक विकास हुआ दूसरा विकास की आवश्यकता है, तो विकास अनंत है। धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं, बहुत सारा काम हो गया नीतीश जी और मोदी जी के राज में। गांव में रोड बन गया, नली बन गया, गली बन गया, शौचालय बन गया, पानी आ गया, बिजली आ गया, जो छूटा हुआ उसको जोड़ा जाएगा। सिंचाई की व्यवस्था, हमारा गाँव का इलाका है, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, घर घर बिजली आ गया, सड़क बड़ी सड़क छोटी सड़क सब बन गया है और इसका रफ्तार हम तेज करेंगे, जो अछूता गांव है उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। अरे भैया आप लोग बाहर कीजिए ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो बधाई हो, भैया 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 बताएं क्या अभी क्या बना है। बिहार के सभी 40 सीटों में से सबसे ज्यादा अगर किसी सीट पर कॉन्टेस्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जूझना पड़ा तो वो अंत तक जूझता दिखा पाटलिपुत्र सीट। हालांकि पिछली बार भी लगभग इसी तरह की स्थिति थी और कांटे की टक्कर हुई और कांटे की इस टक्कर में कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव ने एक बार फिर से लालू परिवार को मात दे दिया है। ये सीट लालू परिवार के प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई थी और पूरा परिवार इस सीट पर जीतने के लिए अपना दमखम लगाए हुआ था, पर अंततः जीत रामकृपाल यादव की हुई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।